और आपको बता दें कि देवरिया नगर पालिका में लोग अब चंदा जुटाकर सड़क का निर्माण करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जी हाँ, जबकि सरकार सभी नगर पालिका नगर पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मेरी जानकारी के अनुसार रामनाथ देवरिया दक्षिणी मोहल्ले में जन सुविधा के नाम पर आने जाने के लिए जर्जर सड़कों का निर्माण नगर पालिका परिषद के द्वारा नहीं कराया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब स्थानीय नागरिकों ने चंदे के सहयोग से सड़क का सीसी निर्माण कराया है। हम 5-6 लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको अपने ही पैसे से, क्योंकि सरकारी संसाधनों से संभव नहीं हो पा रहा, बार बार लोगों के वहां जाइए, अधिकारियों के वहां, या जो हमारे माननीय लोग हैं तो सुना नहीं जाता। जैसे आपको ये है कि फिर वहाँ चक्कर काटते रहिए, क्योंकि अब लगता है कि मूलभूत सुविधाएं भी आपको आत्मनिर्भरता के ऊपर ले जा रही है कि अगर आपको सुविधा चाहिए आप स्वयं ये काम कर लीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए, ना किसी नगर पालिका के, ना किसी सभासद के, ना ही किसी भी माननीय के, क्योंकि कुछ होना नहीं है। एक ही रोना होता है, बजट आएगा देखा जाएगा, तो भैया कब तक आप नरक में रहेंगे? पानी इतना लगता है कि बच्चे निकल नहीं पाते हैं, महिलाएं निकल नहीं पाती हैं। यही सोच करके हम लोगों ने सोचा कि इस चीज को हम लोग कंप्लीट कर लगा था।